मैंने ये वाले 4 packs लिए थे इस बिस्किट के। आप कोई भी ओट्स या वीट के बिस्किट्स लेके उनको अच्छे तरीके से पाउडर की फॉर्म में करने के बाद मिल्क पैक की क्रीम पूरा का पूरा पैक आप अंदर डाल लेंगे। उसके बाद देसी घी यूज़ करना है, हमने कुकिंग ऑयल फ्राइंग ऑयल यूज़ नहीं करना। देसी घी के 3 खाने वाले चम्मच जो हैं वो हम देसी घी के इसके अंदर डाल लेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको जब हम मिक्स करना स्टार्ट करेंगे तो क्रीम की ना बॉल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, बट वी हैव टू मैश एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली। सारा कुछ मिक्स करने के बाद हम एक ट्रे ले लेंगे और उसके अंदर एक प्रॉपर स्ट्रेट लेयर लगा लेंगे उन बिस्किट और क्रीम और देसी घी के मिक्सचर की। पहले हम उसको स्प्रेड करने के बाद उसी स्पून से ही उसको क्लियरली स्ट्रेट लेयर बनाने की कोशिश करेंगे, बट एंड में वो नहीं हो तो वी कैन यूज़ आवर रफ हैंड, कोई ऑयली हैंड नहीं यूज़ करना। जब ये हो जाएगा तो ये इस तरह लगेगा। उसको ओवन में रख के हमने अपर फ्लेम से 15 मिनट्स के लिए इसको बेक कर लेना है। आफ्टर एग्जैक्टली 15 मिनट्स जब आप निकालेंगे तो वो इस तरह से पक चुका होगा। अब इसके बाद हम दरमियानी जो सेकंड लेयर है क्रीम की बनाने के लिए हम लेंगे एवरीडे का फुल 1 कप। उसके अलावा हम लेंगे ये किरी, इसको किरी कहा जाता है। उसके अलावा आप इसको अपनी लैंग्वेज में जो बोलते हैं, बिकॉज मैं सऊदीया में रही हूँ तो इसको वहाँ किरी बोलते हैं, असल में इसको चीज़ कहा जाता है। हम चीज़ की ये वाली लेंगे। इसमें हमें चाहिए 6 क्यूब्स इसकी और हमें चाहिए योगर्ट जो मीठी हो या फीकी हो। हाई मरियरमेंट के लिए आपने 1 ही कप यूज़ करना है। हम इसमें लेंगे लेस देन हाफ, जिसको कहते हैं 1/4 कप, आधे से थोड़ा शक्कर का हम लेंगे, चीनी का। और उसके बाद हम इन सब का मिक्सचर डाल देंगे, सब कुछ हम डाल देंगे शेकर के अंदर जो मैंने चीज़ें इंग्रेडिएंट्स बनाए, और अच्छे से इसको मिक्स करके इस क्रीमी फॉर्म में ले आएंगे। उसके बाद जैसे ही ये ओवन से निकालना है, ज़रूरी नहीं है इसको आपने ठंडा करने के लिए रखना है, इट्स नॉट नेसेसरी। इसको हम एक प्रॉपर लेयर बराबर से हम इसके ऊपर डाल देंगे, कोई भी साइड ऐसी ना हो जिसमें बिस्किट विजिबल हो रहा हो। कि 2 लेयर्स कम्प्लीटली तैयार हो चुकी है। मूविंग फॉरवर्ड टू 3rd one, हम 1 कप फुल लेंगे सूजी का, अनकुक्ड अनबॉइल्ड कुछ भी नहीं, बिल्कुल सूजी है ये। इसका 1 फुल कप हम भर लेंगे। उसके बाद हम लेंगे एवरीडे का जो पाउडर है वो हम लेंगे 1/2 कप जो है वो एवरीडे ले लेंगे, और हम लेंगे देसी घी वो भी हम लेंगे 1/2 कप। कुकिंग ऑयल मत यूज़ कीजिएगा, नमकीन हो जाता है। और उसके अलावा हम लेंगे 1/2 से less 1/4 शुगर लेंगे। ये सब भी हमने ग्राइंडर के अंदर ही डालते जाना है। उसके बाद लेंगे हम क्रीम मिल्क पैक का, 1/2 मिल्क पैक का जो पैक होता है वो इसके अंदर डालेंगे, और कंडेंस मिल्क डालेंगे हम इसके अंदर 100 ग्राम, ठीक है। ये बॉक्स जो है ये 500 ग्राम का है, इसके अंदर मैं 100 ग्राम डाल रही हूँ, वो भी आप कह सकते हैं 1/4 होता है, ठीक है। वो हम कंडेंस मिल्क मैंने यूज़ किया है पोलका का जो नॉर्मली होता है। अब एंड में जब हम ग्राइंड कर लेंगे, आप देख सकते हैं ये सूजी का मिक्सचर हमारे पास तैयार है, इस कंसिस्टेंसी से तैयार होगा। अगर सही से ग्राइंड ना हो तो इसके अंदर आप थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, जो हमारा बॉयल हुआ खुला दूध होता है। उसके बाद हम एग्जैक्टली इसी थिकनेस वाली कंसिस्टेंसी के साथ इसकी ऊपर वाली लेयर बना लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा वाइट आपको नज़र आएगा दूध हम अगर इसके अंदर मिक्स करते वक्त डालेंगे। अब हमारी 3 लेयर्स कम्प्लीटली तैयार हैं। अब हम अपर फ्लेम ही यूज़ करनी है, नीचे वाली नहीं करनी है। इसको हम 15 मिनट्स के लिए इसको भी रख देंगे। इसके जब तक ये बन रहा होगा हमने बनाना है शीरा। मैंने इसमें डाला था 1/2 कप शुगर और 1 कप जो है वो डाल दिया था पानी का। और जब ये इतना तैयार हो गया, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक नहीं करनी, जब मैंने ओवन से निकाला ये इस तरह से कम्प्लीटली बेक हो चुका था। अब देखें 3 लेयर इसकी कम्प्लीटली तैयार हैं। अब इसके बाद ना आपने कुछ भी नहीं करना, आपने फोक से भी सुराख नहीं करने। अक्सर केक के अंदर फोक से या किसी उससे हम सुराख करते हैं क्योंकि हम शीरा डालने लगे। आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपने फुल गरम शीरा इसके ऊपर डाल देना है। बेशक आपने बहुत पहले से इसको निकाल के रखा हुआ हो ओवन से बेक हुआ हुआ,
इट डजेंट मीन, लेकिन आपने शीरा फुल गरम इसके ऊपर डाल देना है और आपने वेट करना है कि ये ऑब्ज़र्व कर ले, ये थोड़ी सी लेयर जो है ना शीरे की पानी की तरह ऊपर रहनी चाहिए, ये खुद ब खुद जब ऑब्ज़र्व करेगा ना तो इस तरह से बन जाएगा। इसको आपने आराम से निकालना है। लेट मी टेल यू, जो आप इसकी फर्स्ट क्यूब निकालेंगे ना वो हमेशा ख़राब निकलेगा, क्योंकि उसको इधर उधर से एडजस्ट होकर निकलना पड़ता है, तो आपने परेशान नहीं होना। लेकिन आपकी बाकी सारी लेयर्स जो है ना वो बिल्कुल प्रॉपर निकलेंगी। आपने इसको स्क्वेयर शेप में कट करना है, आप चाहे इसको राउंड शेप में बनाएं, आपकी ट्रे जिस तरह भी अवेलेबल हो आप बनाएं, लेकिन आपने इसको सर्विंग इसकी जो है वो इस तरह स्क्वायर में करनी है। ये देखिए मैं बहुत डर डर के निकाल रही हूँ, एंड हेयर इट इज़, मैं चाह रही थी आपको अच्छे से दिखाऊं। आप इसको मूव करने के लिए यू विल यूज़ द स्पून, स्पून से आप इसको अपनी प्लेट में, दिस इज़ सो यम्मी, मेरे मुँह में पानी आना स्टार्ट हो गया। आप जब देखिए कितना सॉफ्ट, कितना प्यारे तरीके से ये बना है। डू ट्राई एट योर होम, और अपने रिव्यूज़ नीचे ज़रूर शेयर कीजिएगा।